सल्यूशन पे काम करना है, लेकिन क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, रिमाइंड योर सेल्फ, थॉट पावर, सोल पावर घट रही है। किस किस को आदत है, अगर घर में बिजली ऑन है तो उसको ऑफ कर देते हैं, नल का थोड़ा सा टिप टिप कर रहा है तो उसको बंद कर देते हैं, क्यों करते हैं, सेव पावर, सेव पावर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो सेव करनी है वो यहाँ है, सेव पावर, सेव योर सेल्फ। ये आदतें सिर्फ अब मन का संस्कार नहीं, ये शरीर की बीमारी का कारण बनता जा रहा है। सेव योर सेल्फ। जब कोई रोग हो जाता है फिर और सोच चलती है उसके बारे में। तो पहला होमवर्क, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फुल स्टॉप। परमात्मा ने आज हमें सुबह की मॉर्निंग मुरली क्लास में सिखाया, पंक्चुएशन मार्क्स को फिल्टर करो, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे कर दिया उन्होंने, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना, कॉमा भी नहीं लगाना। कॉमा से तो लाइन चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, हर पांच वर्ड के बाद कॉमा लगाओ और थॉट को आगे बढ़ाते जाओ। एक ही सिर्फ पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कौन सा, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। इसकी प्रैक्टिस करो, पहले दिन मन नहीं मानेगा, दूसरे दिन मन नहीं मानेगा, धीरे धीरे मानेगा, धीरे धीरे वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। लगाएंगे वन वीक के लिए फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप लगाना मतलब थॉट पावर पे ब्रेक लगाना, बस बस, और नहीं सोचना इस तरह से। लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाने के लिए थॉट को राइट में कन्वर्ट करके फिर फुल स्टॉप लगाना है। उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके पास कोई रीजन होगा उसके लिए, राय दे दो, दुआएं दे दो, लेकिन प्रश्न चित्त को बंद करो। डन फर्स्ट होमवर्क, यस। सेकेंड, आज हमारी मॉर्निंग क्लास का जो होमवर्क था, किसी को कोई बात सुनानी है, कहाँ हमारी शक्ति घटती है, हाँ, किसी को कोई बात सुनानी है तो उस बात को दो शब्दों में सुनाने की प्रैक्टिस करो। आपको पता है हम कैसे कहानी बनाकर सुनाते हैं बातों को, जितना हम बोलते जाते हैं उसको स्ट्रेच करते जाते हैं, सामने वाला ऐसे ऐसे नॉड करता जाता है तो हमारी कहानी और लंबी होती जाती है। और हमें ये पता ही नहीं कि हम पावर वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद चेक करेंगे ना कि सार क्या निकला इस कॉन्वर्सेशन का सारा, तो सार दो लाइन का ही होता है। बातों को विस्तार से सार में लेकर आइए, और इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस फोन की कॉन्वर्सेशंस पर करिए। हर फोन कॉन्वर्सेशन पूरा होने के बाद चेक करना, मैंने जितनी देर बात की उसमें कितनी देर यूजफुल बात थी और कितनी देर वेस्ट थी। तो इट्स एज गुड एज मैंने कितना पानी यूज किया और कितना तो सिर्फ बहने दिया और उसको वेस्ट कर दिया। कर सकते हैं इसको चेकिंग, किस किस को लगता है हम ज्यादा बोलते हैं, ना इसीलिए ज्यादा सोच रहे हैं। मन का प्रभाव शब्दों पर पड़ता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। एक कॉन्वर्सेशन के बाद या एक फोन की कॉन्वर्सेशन के बाद, कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है लेकिन माइंड में हमारी वही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, या नहीं चल रही होती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोले हैं। तो हमारा आज का सेकेंड होमवर्क, बात को सार में बोलिए, जीवन का मंत्र बनाइए, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, दुआओं भरा बोलो, और कुछ शब्द मुख से निकले ही नहीं। कर लें इसको अपना होमवर्क। हमारे मुख से जब भी शब्द निकले वो शब्द कैसे होने चाहिए, हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, प्योर वाइब्रेशनल वर्ड्स। ये सब आदतें हैं, ये सब संस्कार हैं, इसको चेंज करना बहुत ईजी है। रेडी, बात को कितनी देर में सुनाएंगे, आपको पता है लंबी बात करना ये भी एक अटेंशन सीकिंग एडिक्शन है, क्योंकि जितनी देर मैं बोल रही हूं, अभी मैं बोल रही हूं आप सब सुन रहे हो, अभी आप इधर देखना शुरू करो, उधर देखना शुरू करो, मैं फटाफट में ओम शांति करूंगी एक मिनट के अंदर। तो बोलने वाले की गलती कम,
सुनने वाले की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अगर हम सुनते जाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलने वाला जो कहानी में नहीं था वो भी ऐड करता जाता है स्क्रिप्ट में साथ साथ। होता या नहीं होता? मेरी भावना ऐड होती जाती है मेरी स्क्रिप्ट में। आपको पता है दिस इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्योंकि जिसको भी कोई मिल जाएगा जो उसकी बात सुन रहा है, वो कथा को सुनाता जाएगा सुनाता जाएगा सुनाता जाएगा, और उस सुनाने के प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। अगर कोई आपको विशेषताएं और पॉजिटिव सुनाए ना, तो बातें बहुत छोटी होती हैं। लेकिन जब दूसरे की कमजोरी और गलती सुनानी होती है ना, तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए ना कहानी खुद सुनाओ, और ना अगर दूसरा कहानी सुना रहा है तो नोट करके उसकी कहानी को लंबा बनाओ। क्योंकि हमारे नोट करने से हमारी भी शक्ति घट रही है, उसकी भी शक्ति घट रही है, और वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। रेडी ये करने के लिए? क्या होमवर्क था? बात को कितने में करना है? एक मिनट आंख बंद करो, अपने ऊपर देखो, मैं कैसे बातों को लंबा करता हूँ, मैं कैसे खींचता हूँ किसी बात को, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा अभी, क्योंकि हमारे लिए वो रियल है संस्कार हमारा। साक्षी होकर अपने आप को देखना है। कभी कभी कॉन्वर्सेशन के बाद रिकॉर्डिंग खुद सुननी चाहिए। आजकल तो फोन के ऊपर रिकॉर्डर है ना सबके पास, तो अपनी फोन कॉल रिकॉर्ड करके फिर उसको सुनो। उसके बाद मैंने क्या बोला इतनी देर, इसमें क्या तथ्य था, क्या था, क्या इसके अंदर एसेंस। ऐसे ही बोलते गए, फिर पता है उधर क्या हुआ, फिर उसका पता है क्या हुआ, फिर पता है क्या। हमें लगा ये टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास नहीं हो रहा, ये पावर वेस्ट हो रही है। बात करनी है, हाई वाइब्रेशनल वर्ड से भरी होनी चाहिए। हाई वाइब्रेशनल वर्ड से आप कितनी भी देर बोलो, ज्यादा देर बोल नहीं पाएंगे हाई वाइब्रेशनल वर्ड से, कहेंगे हाँ बात हो गई, चलो ओम शांति। लेकिन जब गलतियां सुनानी है, कमजोरियां सुनानी है, किसी की प्रॉब्लम सुनानी है, किसी की नेगेटिव बोलना है, तब वो कहानी लंबी बनती है। सो इट इज नॉट जस्ट कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, इट इज हम नेगेटिव बोल रहे हैं। और जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो ये सर्टन है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो पावर क्या हो रही है? अगर मैं बैठकर यहां किसी और के बारे में नेगेटिव बोलूं तो भी मेरे शरीर की सेहत पर असर पड़ता है। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर संकल्प और मेरा शब्द एक वाइब्रेशन है जो मेरी बॉडी के हर सेल से गुजर रहा है। और हमें लगा हम उनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब हम उनके बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? जब हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई मंत्र लेते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है थोड़ी देर के बाद? कैसा लगता है? किस किस ने अनुभव किया है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मंत्र बोल रहे हैं, बहुत पीसफुल लगता है उसके बाद? किस किस ने एक्सपीरियंस किया ये? वेरी गुड। उसी का ऑपोजिट होता है जब हम ऑपोजिट बोल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो हमारा रोज हो रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या बढ़ रहा है। एंड दैट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज। इसलिए डॉक्टर से जाके पूछना नहीं है ये बीमारी मुझे क्यों हुई, वो नहीं बता पाएंगे, वो सिर्फ बोलेंगे इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल मेरी है। हर सोच, हर शब्द, सामने वाले ने गलती की है, लेकिन मुझे कौन सी सोच और शब्द बोलना है वो चॉइस तो मेरी है। और